काका के आज वो भेंट होगा इल का स्थिति बा बहुत अच्छा बा लोग क्या कर रहा है बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं कुकर छाप जीतेगा क्या चुनाव चिन्ह है आप लोगों का प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर हरे राम हरे हरे आप प्रेशर कुकर घरे घरे जब ये मुखिया पद से थे तो बहुत अच्छा काम किए हम लोग साथ भी रहते आए गए हैं जब भी हम लोग को काम पड़ता है चले जाते हैं इनके पास हमारा काम हो जाता है लोगों का स्नेह और प्यार इनके साथ है और समाज के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं उसकी बदौलत आज इनके लोग इनके साथ लोगों का प्यार है जनता का प्यार है। कुकर में रोटी बना लेती है कि नहीं नहीं रोटी नहीं बनाते हैं लेकिन नया डिश है एक तो वो क्या बोलते हैं लिट्टी चोखा तो लिट्टी हम बना लेते हैं उसमें कुकर में लोगों को खिलाएंगे पूरा हाँ पूरा लोगों को खिलाएंगे तो इनको जितना ज्यादा बड़ा पावर मिलेगा उतना बढ़िया काम भी होगा जनता नहीं बदलेगी लोग का खाएगी पिएगी जो खाने वाले लोग हैं खाएंगे पिएंगे लेगी वोट जाय जगह पर ही बड़ी भीड़ है इतने लोगों की भीड़ है सब मेरे अपने चाहने वाले हैं मित्र हैं बहन है। नगर पंचायत हथुआ के चुनाव प्रचार पीक पर है आप देख सकते हैं तमाम उम्मीदवार जो अध्यक्ष के हैं उपाध्यक्ष के हैं और वार्ड पद के जो प्रत्याशी हैं तमाम लोग अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है जो जिस पद के हैं जिनका जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है निर्वाचन आयोग के द्वारा वे लोग लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ हथुआ में और हथुआ में मौजूद हूँ छोटा कोइरौली में छोटा कोइरौली अब गांव है और यहाँ अध्यक्ष पद की प्रत्याशी और पूर्व मुखिया उपेंद्र शर्मा जी की पत्नी पूजा कुमारी जी जिनका चुनाव चिन्ह कुकर छाप है वे लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। आप देख सकते हैं उनका यह भीड़ है उनके यह समर्थक हैं छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। ये कहाँ घूम रहा है जी उपेंद्र शर्मा वोट लेगा वोट लेने के लिए वोट देगा वोट लेने के लिए नहीं घूम रहा है। बहुत सारे लोग हैं और क्या नाम है आपका अंकित कुमार अंकित बाबू कहाँ घूम रहे हैं उपेंद्र शर्मा की रैली में घूम रहे हैं लोग वोट मांगने के लिए। कौन चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर क्या स्थिति है क्षेत्र की स्थिति तो अच्छी लग रही है लोग वोट देंगे वोट देंगे। क्या नाम है आपका विनायक पांडे जी। सिद्धि विनायक जी जी क्या स्थिति है विनायक बहुत बढ़िया स्थिति हम लोग पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया पहले मुखिया रह चुके हैं हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा काम भी किए हैं हम लोग को कभी भी काम धाम पड़ता है आ जाते हैं। देख सकते हैं उपेंद्र शर्मा जी हैं और उनकी धर्म पत्नी है ये लोग घूम रहा था रास्ते में मेरी मुलाकात हो गई है और एक बार फिर बहुत स्वागत बा नमस्कार पंचायत घूमत आनी हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया स्थिति बावे बहुत स्वागत आज एक बार फिर मुलाकात हो गई आपसे। कौन गांव में घूम रही कौन गांव है नया बाजार क्या स्थिति है बढ़िया स्थिति है बहुत बढ़िया है जनता का मुंह एकदम मेरे तरफ पॉजिटिव है। यहाँ की क्या समस्या है यहाँ की समस्या कुछ दिख रहा है नाला क्या है साफ सफाई का है तालाब है छठ घाट का है यहाँ पर समस्या ही समस्या है। बड़ी भीड़ है इतने लोगों की भीड़ सब सब मेरे अपने चाहने वाले हैं मित्र हैं बहन है। इतनी गर्मी है उमस भरी गर्मी में भी भीड़ आपके साथ है देखिए पसीना से सबका जिस्म तर बतर है उसके बाद भी लोग दौड़ रहे हैं जो साथ। दिल से रहता है ना वो धूप और पानी क्या परवाह नहीं करता है ये दिल से रहने वाला। क्या नाम है आपका हमारा नाम गजेंद्र कुमार पड़ेगा गजेंद्र जी आपसे फिर मुलाकात हो गई कहाँ घूम रहे हैं आप हम शर्मा जी के क्या स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है हर जगह से अच्छा स्थिति है सभी लोग सोच रहे हैं कि मान लीजिए कामिल आदमी को दिया जाए काका के आज वो भेंट होगा इल का स्थिति बा बहुत अच्छा बा लोग क्या कर रहा है बहुत अच्छा सब लोग कर रहे हैं कुकर छाप जीतेगा। इस गांव की क्या समस्या इस गांव की समस्या तो यही है जो हाँ बनने वाला है काम होगा हाँ होगा। नंदनी बन रहे नंदनी कहाँ घूमत नहीं अरे यहाँ के चुनाव में आदमी स्थिति तो अभी ठीक बावे कहाँ घूम रही हो बेटी अंकल के साथ आए हैं। कौन चुनाव चिन्ह है कुकर छाप प्रेशर कुकर छाप क्या बोल रहे हैं सब अच्छा बोल रहे हैं और देख सकते हैं लोगों की बड़ी भीड़ है और तमाम लोग हैं बड़ी आज गर्मी भी है मौसम का तापमान भी बड़ा एकदम सातवें आसमान पर है बावजूद इसके लोगों का जो उत्साह है लोगों का जो जुनून है उपेंद्र शर्मा जी के साथ है और तमाम लोग प्रेशर कुकर को लेकर के काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। इतनी गर्मी के बाद भी क्या कहेंगे ये तो बड़ी भीड़ है और लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। देखिए चुनाव में जब अब चुनाव नज़दीक आ गया है 9 तारीख को होना है और समय है मात्र 9 दिन बड़ा कम्प्लेना कम्प्लेनी हो रहा है एक उम्मीदवार दूसरे पर लगातार आवेदन दे रहे हैं
ये सब चलता रहता है। किसी पर किए कि नहीं? जी नहीं, हम एक सामने काम नहीं करते। बड़ा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। लगा रहे दीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि झूठे वादे करते हैं, कोई कह रहा है कि दारू पी रहे हैं, पी के बदल जाएंगे, चुनाव के दिन वोट दूसरे को देंगे। ये तो होना ही है, होगा। मान लीजिए कोई अब किसी के पास सिर्फ पैसा ही बचा है कि हम पैसा लगाएंगे वोट खरीदेंगे, लेकिन खाने वाला पीने वाला आदमी बहुत लगातार घूम रहे हैं। क्या लगता है क्षेत्र में जनता बदलेगी क्या? जनता नहीं बदलेगी, लोग का खाएगी पिएगी, जो खाने वाले लोग हैं खाएंगे पिएंगे, लेकिन वोट जायज जगह पर ही देंगे। खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या, वोट देंगे जायज जगह, वोट देंगे बस अपने जगह पे। क्या नाम है आपका? धीरज जी। धीरज जी, आप भी घूम रहे हैं मुखिया जी के साथ, क्या स्थिति दिख रही है? स्थिति हम लोग की बहुत बढ़िया दिख रही है, और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो अभूतपूर्व है। इतना लोग साथे घूमत है गर्मी में, बताई बुला के ले बने ये लोग, सब कोई के प्यार दुलार हमारा साथ बावे। सब तू कहे के घूमत में? हम पूजा देवी के साथ में घूमत नी खुशी से। हाँ, का लुपा कहता, का कहते दियाई पूजा साहब के कौना कुकर छाप। हाँ, और एक लोग है यहाँ, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बड़ा पगरी ओगरी बाने हैं एकदम विशाल काय कद है, क्या नाम है? रविंद्र कुमार गुप्ता। रविंद्र जी, क्या स्थिति है उपेंद्र शर्मा जी आपके, उनके साथ आज घूम रहे हैं आप? ना, वो स्थिति बढ़िया है इनकी, ऊपर की स्थिति बढ़िया है, ऊपर की स्थिति अच्छी है, लोगों का स्नेह और प्यार इनके साथ है जी। और समाज के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं जी। उसकी बदौलत आज इनके इनके साथ लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है जी। इस बार भी सहयोग मिलेगा? इस बार भी पूर्ण सहयोग है जनता का। सबसे पहले जीतेंगे तो क्या मांग रखेंगे अपने गांव के लिए आप? क्या समस्या दिख रही है जिस पर आप ध्यान देंगे? सबसे विशेष समस्या है कि हमारे यहाँ जो गरीब तबके के जो भी लोग हैं, सुनिए आपसे मांग रख रहे हैं, जब आप चेयरमैन बनेंगे तो इनका एक डिमांड है जो आपके सामने गवाह मैं हूँ। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जिनके घर बेटी बहू है, शादी नहीं हो पाती है, उनको सरकार की तरफ से या फिर अपने तरफ से जितना हो सके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। पहले से भी करते रहे, पहले से भी इनका सहयोग रहा है, और आगे और बेहतर करें इसके लिए और प्रयास किया जाएगा। गरीब बेटियों की शादी में क्या आप करते आए हैं अब तक? देखिए, जो जो भी मेरे पास आया है, जो भी मदद मांगता है मैं उसको देता हूँ जितना संभव है अपनी हैसियत के अनुसार। विनायक पांडे जी, आप मुखिया जी के साथ घूम रहे हैं, उपेंद्र शर्मा जी, क्या दिखा आप हमको? बहुत बढ़िया इधर दिखाई दे रहा है, हम लोग पूरा जोर शोर से इनके साथ लगे हुए हैं, और जब ये मुखिया थे तब लोग बचपन से इन लोग के साथ हम काम कार्य किए हैं, और मुखिया कार्य में ये बहुत अच्छा काम किए हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ जाके रोड नाला आप देखिए खुद जाके। कौन गांव है आपका? हथुआ गाँव। जब ये मुखिया पद से थे तो बहुत अच्छा काम किए, हम लोग साथ भी रहते आए गए हैं, जब भी हम लोग को काम पड़ता है चले जाते हैं इनके पास, हमारा काम हो जाता है। इसलिए अब चेयरमैन के पद से उठे हैं तो हम लोग फिर से साथ हैं। बड़ा पावर देना चाहते हैं जी, बड़ा पावर देंगे, ज्यादा लोगों की सेवा जी हैं। बड़ा आप पावर इच्छा है कि उपेंद्र शर्मा और लोगों की सेवा, बड़ा बड़ा पावर देंगे तो बड़ा काम करेंगे, जैसे हम लोग को करते हैं वैसे सारे अब पंचायत के काम करेंगे जी। देखिए गिलहरी मैन को, यही वह गिलहरी मैन है राजा बाबू, जिनके साथ गिलहरी को मैं आपके आप लोगों तक पहुँचाया था। गिलहरी कहाँ गई आपकी? गिलहरी अभी पेड़ों पे है। पेड़ों पे जी। अब चुनाव में लगे हैं जी, अभी चुनाव। क्या चुनाव चिन्ह है आप लोगों का? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, हरे राम हरे हरे, आप प्रेशर कुकर घरे घरे घरे। और क्या कहेंगे? कहना यही है, जनता से यही अपील है कि वो लोग एक सामाजिक व्यक्ति को मतलब चुने जी। ऐसे नहीं, जैसी अफवाहें आने वाली हैं, बहुत आने वाली हैं, लोग रुपया के दम पे आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो आज आए हैं कल दिखेंगे भी नहीं। ठीक, तो जो समाज में व्यक्ति रहा है उसे ही चुना जाए, क्योंकि अगर रुपया के बल पे अगर लोग आने लगे और जनता उन्हें चुनने लगी तो लोग समाज सेवा करना छोड़ देंगे, लोग प्राथमिकता देने लगेंगे रुपया को ही, वो किसी तरीके से रुपया लेके आएंगे और समाज में क्या करेंगे, छींट के वो सोचेंगे कि अब चलो इसी से सत्ता हासिल होने वाली है। तो लोग, जनता इस वक्त जो है वो समझदार है, अनबूझ नहीं है, सब कुछ बूझ रही है। ठीक, तो वो यही है जनता से हम लोग अपील कि ये पहले मुखिया रहे हुए हैं, ठीक है, मुखिया मतलब रहते हुए उन्होंने जब अपना कार्यकाल में जो समय दिया है, जो काम दिया है, वो सबके सामने है, तो इनको जो जितना ज़्यादा बड़ा पावर मिलेगा उतना बढ़िया काम भी होगा। क्या नाम है जी? गौतम शर्मा। गौतम शर्मा जी, कहाँ घर है जी? नया बाजार। नया बाजार। उपेंद्र शर्मा जी आपके जात हैं इसलिए घूम रहे हैं कि अच्छा काम करते हैं इसलिए घूम रहे हैं? ये तो राजनीति में पुराना आदमी है, ये ऑलरेडी मुखिया मजे हुए खिलाड़ी है जी, ऑलरेडी विकास भी किए हैं, अब विकास इनका उठा कर देख लीजिए, अरे जिस गांव का मुखिया थे उस गांव में जाकर देख सकते हैं, ऑलरेडी काम हुआ है, फील्ड में उतरा हुआ आदमी है जी। इनका मान के चलिए
जो पुराना आदमी रहता है उसी को कोई भी चाहता है। अनुभवी आदमी जी जी उपेंद्र जी अनुभवी जी अनुभवी है जी जी। एक काम मैंने इनके महल में भी करवाया है, रोड आप पीसीसी का जी काम आपके यहाँ भी हुआ है जी, जी, जब हाँ हाँ हुआ है, अब और होगा। किसी अन्य से फंड लेके करवाया, किसी अन्य से फंड लेके करवाया, किसी से फंड लाके इनके माला है मैंने काम एक काम कराया नहीं था, मांग के लाए जी, मांग के लाए। और क्या कहेंगे, कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे और इनको जिताए कुकर पर जी, कुकर प्रेशर कुकर वोट दे। बड़ी हवा चल रहा है, सब एक दूसरे के प्रति बड़ा अफवाह फैलाया जा रहा है, तो ये अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा चुनाव ना। आप भी कुछ फैलाइए ना, हम सब काम नहीं करते, आपको जनता पर भरोसा, जनता भरोसा, जनता जो चाहेगी वही होगा। हम हर दरवाजे पर जाएंगे और माता बहनों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे वोट करें, और वही उनका ही फैसला सर्वमान्य होगा, जनता का, जनता का। हवा फिटकरी वाले तो हवा फिटकरी फैलाते रहेंगे, जनता की अदालत में जी, जनता की अदालत में जो फैसला होगा स्वीकार स्वीकार होगा। क्या भरोसा है जनता आपके पक्ष में फैसला जी, एकदम पूरा भरोसा है पक्ष में करेंगे। और क्या कहिएगा आप बताइए, कुकर कुकर चिल्ला रही हैं, दाल गलेगा ना जी, पक्का गलने वाला है दाल, दाल भी गलेगा और बनेगा भी, चावल भी बनेगा। कुकर में रोटी बना लेती है कि नहीं? नहीं रोटी नहीं बनाते हैं, लेकिन नया डिश है एक ठो, वो क्या बोलते हैं लिट्टी चोखा, तो लिट्टी हम बना लेते हैं उसमें कुकर में, कुकर में लोगों को खिलाएंगे पूरा। हाँ पूरा लोगों को खिलाएंगे, बिहारी लोग को यही पसंद होता है ना लिट्टी चोखा, तो उस पर लिट्टी बन जाता है। प्रेशर कुकर है चुनाव चिन्ह ईवीएम के सीरियल नंबर 6 पे आप देख सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह। यह जो है पूजा कुमारी का चुनाव चिन्ह है, 6 नंबर पे है। और उपेंद्र शर्मा जी जो यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, और इनकी पत्नी पूजा देवी जी अध्यक्ष पद की सम्मानित प्रत्याशी हैं। अभी ये छोटा कोइरौली में घूम रहे थे और इनके साथ हजारों सैकड़ों लोगों की भीड़ है, सैकड़ों लोगों की भीड़ के मध्य सबका जिस्म पसीने से तरबतर है, क्योंकि राजनीति के तापमान के साथ साथ मौसम का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके उपेंद्र शर्मा और पूजा देवी जी के जो समर्थक हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ, वे जो है डिगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ते जा रही है, उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ते जा रही है, सब लोगों का यह प्रयास है कि किसी भी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रत्येक दिन जनसंपर्क स्थापित करें और लोगों को अपने पक्ष में अपने कार्यों को गिना करके करने का प्रयास करें। नमस्कार।